एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रभा वर्कबुक क्लास 6 to 7 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 47 पर स्थित है। यहां हम सीखेंगे द लर्नर कैन यूज आर्टिकल ए एन का यूज करते हुए हमें आर्टिकल सीखने हैं। यहां क्वेश्चन है टेक दिस सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए एन दी। हमें यहाँ कुछ सेंटेंसेस गिवन है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, जिनमें हमें ए एन का कौन सा सही यूज हुआ है किसके लिए, तो यहाँ हमें उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, टिक का निशान बनाना है। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर है कल्पना चावला की, इनसे रिलेटेड सेंटेंस है कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला वॉज अ एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला वॉज द एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस होगा कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, AIEOU। इनके साथ में एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो यहाँ एन आर्टिकल का यूज होगा ए से पहले, तो यहाँ करेक्ट कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पिक्चर में एक योगा टीचर की है। यहाँ सेंटेंस है अमर इज अ योगा टीचर, अमर इज एन योगा टीचर, अमर इज द योगा टीचर। यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ होगा करेक्ट फर्स्ट सेंटेंस अमर इज अ योगा टीचर। यहाँ एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू से रिलेट यहाँ शब्द नहीं है, योगा वाई से स्टार्ट होता है, तो यहाँ ए का यूज करेंगे वाई के साथ, तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर है एलिफेंट की, इससे रिलेट सेंटेंस है अ एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। तो यहाँ यूज करेंगे द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी बड़ा जानवर होता है। यहाँ एक पर्टिकुलर हाथी के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि हाथी जो है सभी हाथी क्या होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, बड़े रूप में होते हैं, तो यहाँ दी का यूज होगा द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। नेक्स्ट पिक्चर में है पिकॉक, यहाँ रिलेट सेंटेंस है अ पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, एंड पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। यहाँ लिखेंगे द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि पिकॉक जो है सभी पिकॉक हमारे क्या है, नेशनल बर्ड है। यहाँ पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, इसलिए ए एन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे यूज डी का, क्योंकि यहाँ जो प्रजाति है पिकॉक की, वो सभी जो प्रजाति है पिकॉक से रिलेट, पिकॉक सभी जो हमारे क्या है, नेशनल बर्ड हमारा क्या है, पिकॉक यानी मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो यहाँ थर्ड सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर है एक छात्रा क्या कर रही है, छाता है उसके पास में, ठीक है, एक छात्रा हमें क्या दिखाई दे रही है, छाते में। तो यहाँ सेंटेंस है पायल हैज अम्ब्रेला, पायल हैज एन अम्ब्रेला, पायल हैज दी अम्ब्रेला। यहाँ पर्टिकुलर की बात हो रही है, पायल की बात हो रही है, तो यहाँ अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है, यू से, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला यानी छाता, तो यू के साथ में हम यूज करेंगे एन आर्टिकल का, पायल हैज एन आर्टिकल, पायल हैज एन अम्ब्रेला, पायल के पास अम्ब्रेला यानी छाता है, तो यहाँ सेकेंड सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये थी वर्कशीट 3, जिसमें हमने यूज करना सीखा ए एन डी का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, हम इसके आगे और भी वर्कशीट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।